नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में अब मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बना हुआ है। सभी की नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना समाधान नहीं बल्कि बीजेपी के लिए समस्याओं की शुरुआत है। सही सुना आपने, फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना भाजपा के लिए आग से खेलने जैसा है। क्यों और कैसे? महाराष्ट्र के जीत के नायक फडणवीस अपनी ही पार्टी के लिए घाटे का सौदा बन गए हैं। आज के इनसाइड विद अनुराग में हम विश्लेषण के साथ समझेंगे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर क्या बीजेपी खतरों से खेलने जा रही है। ओबीसी वोट और सीएम ब्राह्मण। सबसे पहले आपको ये बता दें कि फडणवीस ब्राह्मण हैं और बीजेपी ओबीसी वोट की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले दशक का इतिहास बताता है कि किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्ति में टैलेंट से अधिक सोशल इंजीनियरिंग को महत्व दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी समझती है कि सरकार का चेहरा ओबीसी हो तो बेहतर ही रहेगा। भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों तक की नियुक्तियों में पिछड़े दलित और एससी एसटी को तवज्जो दी है। देवेंद्र फडणवीस को ऐसे समय में सीएम बनाने की बात चल रही है जब राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी रावणों और अमीरों के हितों का ख्याल रखने वाली पार्टी है। इसके साथ ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी अगर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका नैरेटिव निश्चित ही गलत जाएगा। बिहार चुनाव के लिए नेगेटिव हो जाएगा ये नैरेटिव। अभी कुछ महीनों बाद बिहार और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। बिहार की बात करें तो वहाँ बीजेपी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा ओबीसी समुदाय से आने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये भी तय है कि बिहार में पार्टी का ओबीसी चेहरा दिखाकर ही सफलता दर्ज की जा सकती है और इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी होने वाला है। अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाते हैं तो बिहार में बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि वोट पिछड़ों का लेकर एक ब्राह्मण की ताजपोशी की गई है। यहाँ हरियाणा को भी याद कर लीजिए। हरियाणा में ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सैनी को आगे रखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में फडणवीस कहीं बीजेपी के चुनावी मॉडल में नेगेटिव ना हो जाएं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी हो सकती है खतरनाक। अब बात महाराष्ट्र के सियासी समीकरण की कर लेते हैं। पिछले 5 साल में जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली उसका लब्बो लुबाव ये है कि कुर्सी के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे को 57 सीटों पर सफलता मिली है। अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं। अजीत पवार के भरोसे अगर बीजेपी रहती है तो उसकी बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज़ करके देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना भी देती है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से असंतुष्टों वाला माहौल बन जाएगा। बीजेपी सरकार को इस बात का डर हमेशा बना रहेगा कि शिंदे और अजीत पवार एक होकर कभी भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर भी एक कमज़ोर मुख्यमंत्री ही साबित होंगे। महाविकास अघाड़ी हर रोज़ रास्ता देखेगी कि किस तरह शिंदे और अजीत को सरकार से तोड़ा जा सके। अगर अजीत पवार चाहेंगे तो फिर से अपने भतीजे के साथ मिलकर कभी भी खेला कर सकते हैं। शिंदे की नाराज़गी को कैश कराने के लिए महाविकास अघाड़ी कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। शिंदे के 57, अजीत पवार के 41 और MVA के 46 लोग मिलकर 144 बनते हैं, जो 288 विधायकों के सदन के बहुमत से केवल एक कम है, यानी कि खतरे की घंटी। बीजेपी हमेशा संशय में बनी रहेगी कि कब क्या हो जाए। ऐसी सरकार संगठन और राज्य दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नगर निगम चुनावों पर पड़ेगा असर। नगर निगम यानी कि जो BMC भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, BMC वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए BMC को 52,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया गया है। इतना बजट देश के किसी अन्य नगर निगम को नहीं दिया जाता। BMC का चुनाव अगले वर्ष होना है। BMC चुनाव में जीत हर पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि जनता की नज़रों में अभी असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। ऐसे में अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिंदे का कद भी घटेगा और शिव सैनिक खुद को ठगा हुआ महसूस भी करेंगे। एक और बात, कहीं एकनाथ शिंदे
नाराज हो गए तो भीतरघात का खतरा हो सकता है, जिससे पार्टी को निकाय चुनावों में नुकसान की आशंका बढ़ जाएगी। मतलब साफ है कि बीजेपी की राह कठिन होने वाली है। फडणवीस बनाम मराठा। लोकसभा चुनावों में जिस तरह मराठों ने वोटिंग की उसका नतीजा सबके सामने था। मराठा इलाकों में बीजेपी का एक समय सुपड़ा साफ हो गया था। इसके पीछे मराठों की नाराजगी केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस से थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता जरांगे पाटिल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का हमेशा विरोध करते रहे, जरांगे पाटिल का मानना रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के चलते ही मराठा आरक्षण लागू नहीं हो सका था। कुछ तो महाराष्ट्र की सामाजिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि ब्राह्मणों का मराठों से संघर्ष का इतिहास रहा है। जैसे राजस्थान में राजपूत और ब्राह्मणों में हमेशा बेहतर संबंध रहे हैं, राजपूतों ने कभी ब्राह्मण नेताओं का विरोध नहीं किया। लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल ऐसा नहीं है। चूँकि मराठों में बहुत सी जातियाँ ओबीसी हैं, इसलिए ब्राह्मण विरोध का दायरा यहाँ और बढ़ जाता है। दूसरे पार्टी के भीतर भी देवेंद्र फडणवीस ने कई मराठी और ओबीसी नेताओं को अपना दुश्मन बना रखा है, जो कभी नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करें। इस तरह पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति लगातार बनी रहेगी और बीजेपी परेशान हो सकती है। बीजेपी महाराष्ट्र में दरअसल क्यों अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। अगर दिक्कतें हैं फडणवीस के साथ, तो उसके बाद भी बीजेपी महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहती है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही नज़रियों से अहम स्टेट है। ऐसे में हर पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार चाहती है। पॉलिटिक्स की नज़र से यहाँ लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं, वहीं विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। महाराष्ट्र की आबादी करीब 13 करोड़ है, जो देश की आबादी का करीब 9.3% है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। देश की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी करीब 14% के आसपास है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में महाराष्ट्र नंबर वन है। देश का 39% डायरेक्ट टैक्स यहीं से जुटाया जाता है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मसले में राज्य छठे नंबर पर है। साथ ही मौजूदा समय में महाराष्ट्र में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इतना सब कुछ होने के कारण पार्टियां चाहती हैं कि राज्य में उनकी ही सरकार हो और उनका ही सीएम बने। बीजेपी अपना सीएम बनाकर अपनी पॉलिटिक्स और अलायंस को मजबूत करना चाहती है। देश भर में राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने के लिए बीजेपी का निर्णय देखने वाला होगा कि देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई नया समीकरण। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।